गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। तो आज हम जैसे फर्स्ट चैप्टर से लेकर फोर्थ चैप्टर तक के हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं परीक्षा बोर्ड 2024 के। अब देखा जाए तो ज्यादा इम्पोर्टेंट हमें न्यूमेरिकल्स रखते हैं वो किसके, चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम क्या है, किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिकी यंत्र या प्रकाशिकी यंत्र, चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। उसका उसमें जो परीक्षा बोध है, परीक्षा बोध का पहला क्वेश्चन ही हमने लिया है। इसमें क्वेश्चन क्या बोलता है, एक कोई अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और वस्तु को आप 10 सेंटीमीटर पर रख रहे हैं, तो आपको ये बताना है पोजिशन ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की स्थिति, उसकी प्रकृति और उसका आकार। देखिए जब वक्रता त्रिज्या दिया है तो हमें पता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, ये वक्रता त्रिज्या है, ये फोकस दूरी है। तो अगर वक्रता त्रिज्या 20 है तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 10। अब एक चीज और याद रखना है, ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में फोकस भी किधर होगा, लेफ्ट साइड होगा, मतलब उसका साइन कन्वेंशन या चिन्ह परिपाटी से माइनस आ जाएगा, मतलब फोकस माइनस 10 आ जाएगा। ऐसे ही वस्तु भी कहां पर रखी है, भाई फोकस पर ही रखी है, 10 सेंटीमीटर पर ही रखी है, वो भी उल्टे साइड में मतलब लेफ्ट साइड पर रखी है, तो चिन्ह परिपाटी से यू में भी क्या आ जाएगा, 10 माइनस का ही आ जाएगा। और ये तो कैलकुलेट करना है, तो एक तरीका तो ये है कि वस्तु को आप डायरेक्ट एफ पर रख दो। तो आपने देखा है जब एफ पर वस्तु को रखते हैं तो हमने देखा है कि रूल फॉलो करते हैं, ये 10 सेंटीमीटर मान लीजिए यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है, तो रूल क्या बोलता है, समांतर किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर और उसके बाद में फोकस से जाती है किरण और डायरेक्ट पी पर इंसिडेंट होती है, तो ये क्या हो जाती है, वही पैरेलल हो जाती है, दोनों समांतर हो जाती है। तो ये प्रतिबिंब कहां पर बनने की संभावना होती है, अनंत पर। तो एक तो हम ये डायरेक्ट कर सकते हैं डायग्राम को बताकर और ओरली उसको समझा सकते हैं कि हमने जब वस्तु को एक पर रखा, रूल लगाए दो, तो जो रेखाएं या परावर्तित किरणें हैं वो कहां पर जाकर मिल सकती है, अनंत पर। तो हमने बोल दिया प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी, अनंत पर। और एक तरीका हमारा गणित वाला फॉर्मूला का यूज करके करना है, तो हमने क्या किया, दर्पण सूत्र हमने यहां पर स्पेशली गणित वाला किया है। तो हमें पता है दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/b + 1/u। इससे हमने क्या किया, 1/f की जगह -1/10 मतलब f की जगह -10 लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये निकालना है, ये u की जगह हमने -10 रख दिया, इधर इसका क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया और ये 1/b का मान कितना आ गया, 0 आ गया। लेकिन हमें 1/b नहीं निकालना है, हमें तो क्या निकालना था, b। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v 0 को 1 के अपॉन में ले आए और v को उधर ले आए, तो v का मान आ गया 1/0। 1/0 क्या होता है, अनंत। अब ये हो गई प्रतिबिंब की स्थिति। और प्रतिबिंब कहां बन रहा था, चित्र के अकॉर्डिंग भी अनंत पर बन रहा था और मैथमेटिक्स से जब हमने सॉल्व करके देखा वो भी अनंत पर बनता है। अब आवर्धन निकालना है, तो आवर्धन किसी दर्पण का आवर्धन का सूत्र होता है -v/u। भाई v का मान कितना है, अनंत, और u का मान कितना है, 10। तो ये तो आवर्धन कितने टाइम्स कर दिया, अनंत टाइम्स कर दिया, तो आवर्धन ने आपने क्या निकाल दिया, अनंत टाइम्स का। अब प्रकृति देखिए, इसमें कई बार आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि प्रकृति कैसे निकाले, तो आप चित्र याद रख लीजिएगा। आपको पता है जब आप प्रतिबिंब बनाते हैं और वस्तु को जब फोकस पर रखते हैं किसी अवतल दर्पण के, तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है। तो वही ये चीज तो हमने ऑलरेडी मैथमेटिक्स से बता दी थी। अब इसकी प्रकृति बताने के लिए आपको पता है ये लेफ्ट साइड ही इमेज बनेगी, मतलब उल्टी और वास्तविक बनेगी और साथ ही साथ में बहुत बड़ी बनेगी, तो आकार या इसकी आकृति कैसी होगी, बहुत बड़ी होगी क्योंकि अनंत पर बनने वाली है। तो ऐसे करके हम ये परीक्षा बोर्ड का पहला क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। थोड़ा सा एक छोटा क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है, और ये जनरली सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता था, लेकिन अब हमारे एमपी बोर्ड में भी ये हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये किस पर आधारित है, ये लेंस निर्माता सूत्र पर आधारित है। तो हम एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। पहले एक लेंस दिया है उत्तल लेंस, जिसकी फोकल दूरी वायु में जब रखा था तो 10 सेंटीमीटर है और उसका वर्तमान 1.5 दिया गया है वायु के सापेक्ष, ग्लास का मतलब कांच का। अब इस कांच से बने हुए लेंस को किसी ऐसे द्रव में रख रहे हैं जिसका अवर्तनांक कितना है, 1.75। तो वो ये बोल रहे हैं कि
कि जब उस द्रव में आपने उस लेंस को रखा जो ग्लास से बना था, तब उसकी फोकल दूरी क्या है और उसका नेचर, मतलब अभी भी वो उत्तल लेंस ही है या वो लेंस बदल गया है, तो ये चीज हम देखने वाले हैं। तो जब हमने देखा लेंस सूत्र का फॉर्मूला लगाया, पहले वायु निर्वाह वाला लगाया, तो वन अपॉन ए पे एन जी ए माइनस वन और वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू लिखा। अब इसमें एन जी ए का मान तो हमें ऑलरेडी दिया था 1.5, 1.5 ऑलरेडी दिया था, तो 1.5 10 से 1 को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.5। और ये 1/r1 -1/r2 को ऐसा कैसे हमने दिया, इस समीकरण को क्या बोल दिया, समीकरण 1। और a पे की जगह पे हमने 10 लिख दिया, ये समीकरण 1 हो गया। अब यही लेंस सूत्र हमने लिखा, लेंस निर्माता सूत्र लिखा उस द्रव के लिए जिसमें हमको ग्लास से बने हुए कांच से बने हुए लेंस को रखेंगे। तो 1/f किसके लिए, उस द्रव के लिए, किसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, द्रव, जो माध्यम भरा हुआ है और माध्यम क्या था, द्रव, माइनस ए, 1/r1 -1/r2, ये समीकरण नंबर 2 बोल दिया। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 में से क्या कर दिया, समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर दिया, जब भाग दिया तो ये ए पे वो किधर आ गया, ऊपर, ए पे क्या आ गया, नीचे। अब भाई ये इसका मान तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, ये 1/r1 -1/r2 था। अब आप एन जी ए को क्या लिख सकते हैं, एन जी अपॉन एन एम माइनस वन, और ये तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। जब हमने इनको आपस में सॉल्व करके देखा, अब सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल गुणा है, भाग है, तो जब हमने इसको सॉल्व करके देखा तो हमारा आंसर आ रहा है -35 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी और फोकस दूरी हो जाएगी 35 सेंटीमीटर, जबकि वायु निर्वात में कितना था, 10 सेंटीमीटर, लेकिन जब वो उस ग्रह में रखेंगे तो 35 सेंटीमीटर, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लगभग 3.5 गुना बढ़ जाएगी। और यहाँ पर माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो वायु निर्वात में उत्तल लेंस था, अब वो लेंस उत्तल नहीं बचा, अब वो लेंस अवतल लेंस बन हो गया, ये माइनस साइन यहाँ पर ये चिन्हित कर रहा है। थैंक यू।